खबर इंदौर से है, जहां बाइक में डंडा लगाकर और पुलिस की टी शर्ट पहनकर वसूली करने की धमकी देकर एक बदमाश ने कई बाइक लूट ली। उसकी इंदौरियों की बाइक लूटने की स्टाइल भी अलग थी। वह पुलिस की गिरफ्त में है और उसके पास से दो बाइक बरामद कर ली गई हैं। पुलिस को और बाइक व मोबाइल मिलने की उम्मीद है। वह भवरकुवा इलाके में वारदात करता था। दो दिन पहले नकली पुलिस बनकर चेकिंग करने के लिए खड़ा हुआ और फिर शुरू की अपनी कहानी। नकली पुलिस बनने वाले आरोपी का नाम है लखन यादव। सोमवार को भवरकुवा क्षेत्र में पुलिसिया अंदाज में चेकिंग के लिए खड़ा हो गया था। उसने पुलिस लिखी टी शर्ट पहनी थी, साथ ही बाइक में डंडा लगाकर रखा था। बातों का लहजा भी बिल्कुल पुलिस वालों जैसा ही था, जिससे कोई भी धोखा खा जाए। लखन ने यहां गोलू चौकसे को रोका। उसने पुलिसिया अंदाज में पूछा, कहां जा रहे हो? गाड़ी साइड में खड़ी करो और कागज दिखाओ। कागज देखने के बाद गोलू से कहा, मेरी बाइक और मोबाइल पकड़ो और मेरे पीछे आओ, चोईथराम मंडी में रेड डालने चलना है। गोलू इसका विरोध कर पाता इससे पहले लखन ने गोलू की बाइक तेजी से स्टार्ट की और चोईथराम मंडी की ओर चल पड़ा। चोईथराम मंडी तक जैसे ही गोलू पहुंचा, लखन ने उसे रुकने का इशारा किया, कहा, यहीं रुको, मेरी गाड़ी सब पहचानते हैं, देखकर भाग जाएंगे। गोलू वहीं रुक गया। काफी देर बाद भी जब लखन नहीं लौटा तो गोलू ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस की जांच में गोलू को दी गई बाइक और मोबाइल दोनों चोरी के निकले हैं और लखन गोलू की बाइक लेकर भाग गया। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि आरोपी लखन इलाके का पुराना बदमाश है, उसे पकड़ लिया गया है। उसके पास से दो बाइक बरामद की गई हैं। उसने इससे पहले भी इसी तरह के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने थाने आने पर खुद को चोटिल कर लिया था और पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा दिया था। इससे पहले अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस उसे पकड़कर सलाखों के पीछे कर चुकी है। आरोपी लखन जो पुलिस लिखी हुई टी शर्ट पहनकर इलाके में घूमता था, पुलिस आरोपी से उसे भी जब्त करना है। पुलिस का डंडा भी पुलिस को मिला है। आरोपी ने अब तक और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। आईटी पार्क चौराहे के पास इसको एक आरोपी लखन यादव नाम का व्यक्ति मिला। तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल से चोईथराम मंडी तक छोड़ कर गया और उसको बैठा करके चोईथराम मंडी तक ले गया और वहाँ जा करके उसको उतार दिया और बोला कि मैं जरा अपने शासकीय काम से करके पुलिस के काम से निपटाने के बाद मैं वापस आता हूँ, जो फिर बाद में नहीं आया। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना कर लखन यादव को पकड़ा गया।